ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार का खुलासा, चीन के खिलाफ अमेरिका की युद्ध योजना तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने खुलासा किया है कि कोरोना, गलवान और ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका भारत के साथ सहयोग कर चीन को पीटने की रणनीति पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका सैन्य, आर्थिक, तकनीक सहित कई फ्रंट पर भी चीन की घेराबंदी कर रहा है, जिसका सबसे ताजा नमूना अंडमान में भारत अमेरिका का साझा युद्ध अभ्यास है। चीन के खिलाफ अब रोजाना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर और सुनकर शी जिनपिंग को बेचैनी जरूर होती होगी। चीन को एहसास हो चुका है कि उसने गलवान में हिंदुस्तान को छेड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब चीन की आर्ट ऑफ वॉर पर मोदी का प्रहार भारी पड़ रहा है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि भारत ने चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट बनाया है, उससे पहले आप ये जान लें कि चीन का आर्ट ऑफ वॉर नीति क्या है। चीन के प्रमुख रणनीतिकार सुन ज़ू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम से किताब लिखी। किताब 4000 साल पुरानी है, जो चीन के लिए चेकलिस्ट की तरह है। इस किताब के 13 अध्यायों में जीत के तरीके बताए गए हैं। युद्ध का चीनी विचार अपनी सेना के उपयोग के बिना जीतना है। इसमें अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, बौद्धिकता या जो कुछ भी काम आ सके। सारे मोर्चों पर विरोधी को कमजोर कर लड़ाई में आने से पहले ही हराने की नीति है। विरोधी देश के अंदर के सहयोगियों की सहायता से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना भी इसका एक हिस्सा है। हालांकि भारत द्वारा चीन को कड़ी चुनौती देने के बाद अब अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर अंडमान निकोबार में भारतीय सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने पहुंच चुका है। चीन को घेरने के लिए भारत ने 108 अतिरिक्त बोफोर्स तोप की भी तैनाती कर दी है। रफाल लड़ाकू विमान भी बहुत जल्द भारत पहुंच रहे हैं, जिनकी तैनाती सीधे चीनी बॉर्डर पर की जाएगी। हिंद महासागर में विमानों की भी तैयारी कर दी है। ये जैगुआर विमान घातक हार्पून मिसाइल से लैस हैं। हार्पून मिसाइल एंटीशिप मिसाइल है, यानी दुश्मन के जंगी जहाज को ध्वस्त करने में सक्षम। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का भारत आना चीन के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। अमेरिका अपने इस बाहुबली युद्धपोत के साथ लड़ाकू विमानों की पूरी फौज लेकर आया है। यूएसएस निमित्ज क्लास 90 फाइटर जेट के साथ अंडमान में मौजूद है। इस युद्धपोत के साथ अमेरिका के 3000 नौसैनिक भी युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए आए हैं। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमानों की जुगलबंदी और उसकी गर्जना को सुनकर बीजिंग को भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि काल के इस खंड में चीन का आर्ट ऑफ वॉर उसकी खुद की ही कूटनीति को धराशायी कर रहा है। जहां एक तरफ भारत के एलाइज में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राजील, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, वहीं चीन के एलाइज हैं पाकिस्तान, नेपाल और ईरान। फर्क साफ है।